हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राजुल रतुड़ी और आज फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो भी पेंट 3D में। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कैसे हम इसको 2D से 3D में किसी इमेज को कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं विंडोज़ में सर्च में लिखता हूँ पेंट 3D और 3D में जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स। इसमें आपको न्यू में आप क्लिक करेंगे, न्यू और ओपन है। न्यू में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी फ्रेंड। इसमें आपको जिस इमेज को आपको 2D से 3D में कन्वर्ट करना है वो आप डालेंगे। जैसे मैं इसमें एक देखिए फिश की इमेज डाल रहा हूँ, इसमें जैसे मैंने फिश की इमेज डाल दी फ्रेंड्स, 2D है खाली। इसकी एक पिक्चर मैंने गूगल से डाउनलोड की है और इसको मैं 3D में कैसे कन्वर्ट करूँगा फ्रेंड्स ये आप देखिए। तो फ्रेंड देखिए, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैजिक सेलेक्ट का, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसे हाईलाइट हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। अब जैसे हम नेक्स्ट करेंगे देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये चारों तरफ से हाईलाइट हो गई है फिश पूरी। और जब आप ये इसको हाईलाइट कर लेंगे तो ये पूरा मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको ये नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करेंगे तो फ्रेंड देखिए, इसमें आपकी ये फिश जो बैकग्राउंड से अलग हो गई है ये देखिए फ्रेंड्स। अब जब इसको एक बार अलग कर लेंगे फ्रेंड्स इसमें से, तो उसके बाद आप कैसे इसको 3D में बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। अभी तो हमने सिर्फ इसको यहाँ से अलग किया है फ्रेंड्स। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो ऑप्शन है, और जब इस पर क्लिक करेंगे 3D में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे। ये देखिए ये वाला, ये और ये वाला। तो आपको क्या करना है, आपको जो बीच वाला ऑप्शन है इसमें आपको सॉफ्ट एज को क्लिक करना है। और आप इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर लीजिए। और इसको फिर आपको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं एक बार क्लिक करता हूँ इसको, अब देखिए यहाँ से मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको भी इसको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और पूरे फिश को आपको सिलेक्ट करना है, जो आपका जिस इमेज को आप बना रहे हैं उस पूरे को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं पूरे फिश को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप भी फ्रेंड्स पे पूरा ढंग से जो उसे बॉर्डर है वो उसमें जो आपकी पूरी इमेज है वो अच्छे से सिलेक्ट हो जाए। तो फ्रेंड देखिए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे पहुँचने वाले हैं, और जब पूरा हो जाएगा तो ये फिश पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, अब ये पूरा मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये आपकी इसमें ऐसी इमेज बन जाएगी। ये देखिए, इसको आप थोड़ा अलग कर दीजिए। जैसे ही मैंने इसको यहाँ से अलग कर दिया, अब फ्रेंड ये 3D की इमेज बन रही है। अब आप इसको देखिए, मैं घुमा के दिखाता हूँ आपको इसको। तो ये देखिए, ये पूरी 3D की इमेज है। इसको कैसे हम इसमें इसके ऊपर मैच करेंगे जो ये पूरी 3D की इमेज बन जाए, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रेंड ये फिश सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद फ्रेंड ये स्टिकर का ऑप्शन है, मेक स्टिकर में आप क्लिक करेंगे। और जब ये सिलेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा। और आप देखिए यहाँ पर आपको एक स्टैंप मिलेगी, वो स्टैंप आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे मैंने इसमें क्लिक किया तो फ्रेंड आप देखिए ये इसकी कॉपी और बन गई, और मैंने इसकी कॉपी को इसके ऊपर लगा दिया जो हमने ब्लू करके हमारा 3D का ऑब्जेक्ट हमारा रेडी हुआ था। अब देखिए मैंने इसको इसके ऊपर फिट कर दिया। आप भी इसको अच्छी तरह फ्रेंड्स पूरी अच्छी तरह से इसको फिट कर दें, जो हमारा ब्लू स्क्रीन है जो बैक वाली वो ना दिखे, और पूरी जो हमारी फिश से ये कवर हो जाए। तो देखिए फ्रेंड ये अच्छी तरह से कवर हो गई है। अब देखिए ये एक तरफ देखिए पूरा हो गया और दूसरी तरफ आपका ब्लू है। अब हमें इसको दूसरी तरफ भी ऐसे लगाना है। तो फ्रेंड दोबारा से हम इसको एक बार दोबारा स्टैम्प बनाएंगे इसकी, जैसे अभी हमने इसका ये इमेज बना दी है। तो अब दोबारा फ्रेंड हम फिश को सिलेक्ट करेंगे और फिर एक और इसकी इमेज बनाएंगे कॉपी जैसे हमने की थी स्टैम्प करके। तो ये हमारी एक और बन जाएगी। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी एक और इमेज तैयार हो गई इसकी जो फिश की है। अब हमें खुद फ्रेंड दूसरी तरफ लगाना है। अभी हमने एक तरफ लगाया, अब इसको घुमा के हम सेम वैसे ही इसको भी दोबारा हम ऐसे रख देंगे इसके ऊपर। तो देखिए मैं रखता हूँ इसको, देखिए इसके ऊपर आ गई। और इसको आप अच्छी तरह से पूरा चारों तरफ से फिट कर लीजिए ऐसे करके। जब आप इसको पूरा फिट कर लेंगे तो फ्रेंड ये दोनों तरफ से आपकी फिश रेडी हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये मैंने पूरी तरह से दोनों तरफ से रेडी कर ली है फिश। अब मैं जैसे इसको सीधा करता हूँ तो ये देखिए ये पूरी तरह से रेडी होगी। तो फ्रेंड बीच बीच में आपको इसमें जो जगह छूटेगी जाएगी यहाँ पर आपको ब्लू ब्लू दिखेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए थोड़ा बीच में आप इसको घुमाएंगे फिश को तो हल्का हल्का आपको कहीं ना कहीं ब्लू दिखेगा जो कवर नहीं हुआ है इस फिश से। तो फ्रेंड देखिए थोड़ा बीच में दिख रहा है, उसमें आपको क्या करना है फ्रेंड, आप इसमें पेंट से ब्रश कर सकते हैं। जैसे आप पेंट में क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे ब्रश में तो यहाँ से आपको ब्रश मिल जाएगा। और यहाँ से आप जौन सा कलर आपको चाहिए, जौन सी आपका जो इमेज है और जौन सा कलर इसमें चाहिए, इसको यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। जब आप इसको पूरी तरह से फिल कर देंगे तो फ्रेंड ऐसे करके आप इसको फिल कर सकते हैं, जौन सा कलर है आपके जो आप इमेज बना रहे हैं जिसको आप 2D से 3D बना रहे हैं उसको आप ऐसे करके फिल कर सकते हैं, जो जहाँ पर आपका जहाँ पर वो शो कर रहा है कि थोड़ा ब्लू दिख रहा है तो
तो यहाँ से ऐसा कर देंगे तो वो फ्रेंड्स पूरी तरह से रेडी हो जाएगा और आपकी जो 2D इमेज है वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये फिश मैंने रेडी कर दी है। तो ऐसे आप भी बहुत आसानी से 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड इसके बाद आप इसको फाइल में जाके सेव कर दीजिए। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए ओपन में जाइए और यहाँ पर सेव एज इमेज में करके आप JPG जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए इसमें आप करके इसको सेव कर दीजिए। मैं इसका नाम लिख देता हूँ फिश का। तो देखिए मैंने सेव कर दिया ये फाइल। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।